सो हेलो गाइस, कैसे हो? आ गया हूँ कि नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आप अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें मोबाइल हैंगिंग, हीटिंग, यही सब, ठीक है। तो इसको करने के लिए सिंपल से आपको एक ऐप का ज़रूरत पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, रिपेयर सिस्टम फॉर एंड्रॉयड, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो एप्लीकेशन है इसको आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको कैसे यूज़ करना है वो हम बताएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे आपका मेमोरी जो है कितना यूज़ हो रहा है, और आपका स्टोरेज जो है वो भी कितना यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सीपीयू कूलर है। तो सबसे पहले हम सीपीयू को कूल कर लेते हैं, कितना हमारा एप्लीकेशन रनिंग हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सीपीयू कूलिंग का प्रोसेस जा रही है, ठीक है। कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाएगा। देख सकते हो बाइसेप है जो कि सीपीयू को हीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कूल डाउन कर देते हैं। देखिए आपका सीपीयू जो है कूल हो गया मोबाइल का, ठीक है। उसके बाद सिंपल से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको देखिए एक सिस्टम रिपेयर दिख रहा होगा, ठीक है, रिपेयर सिस्टम यहाँ पे। तो इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो किस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये चार स्टेप में कंप्लीट हो गया। सबसे पहले रिपेयर सिस्टम एंड्रॉयड, उसके बाद जो है रेमेडी बूट, फाल सिस्टम रिपेयरिंग, उसके बाद बूस्ट रैम, ठीक है। ये चार होने के बाद उसके बाद आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, ये फिनिश हो गया। आपको सिर्फ बैक बटन दबाना है। बैक बटन दबाने के बाद इसमें और अभी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सिंपल से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इसको कट कर देना है। उसके बाद सिंपल से आपको एक बार फ़ोन को रिबूट करना है, ठीक है। यानी कि रिस्टार्ट, फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करना है। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी।